हो गया, आप क्या कहेंगे? क्या कहूँगी, कभी कभी मुझे जब हमें प्राप्त होती है तो शब्द नहीं होती। मैं यही कहूँगी कि ये जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये कार्यशैली, जो ईमानदारी की कार्यशैली, उसे पूरे देश की जनता ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और मोदी के नाम से, मोदी के लिए, मोदी को, मोदी की राष्ट्रभक्ति के लिए और अपने हितों की सुरक्षा करने के लिए जनता ने पूर्ण रूप में वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। मोदी लहर सुनामी लहर में परिवर्तन हुई, पूरे देश में आज जो रुझान आया हुआ है, तो बस आप लोग बार बार सवाल करते थे कि 2014 में मोदी की आंधी थी, लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, आप क्या कहेंगे? लेकिन मैंने अपने सवालों के जवाब में बार बार कहा है वो आंधी थी लेकिन अब सुनामी आएगी। तो शायद तब आप मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन आप आज वही बात पूछ रहे हैं जब सुनामी सबको बहा कर लेकर गई और अपनी प्रतिष्ठा को, मोदी के लिए देश की प्रतिष्ठा को बरकरार रखते हम सबके सामने ये बताया कि ईमानदारी की, देशभक्ति की पहचान। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि जो चीज़ें सत्य हैं उसको प्रमाण के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता है। क्या मैसेज देना चाहिए विकास को लेकर, सीधी मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहिए? फिर गड़बड़ी हुई, कभी कभी गड़बड़ी हो जाती है, जो गड़बड़ी हो रही है उनके लिए भी प्रक्रिया है, फिर भी व्यवस्था और सामने कार्यकर्ताओं के लिए बात कहा। मैं अपने उन ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और बेहद मेहनत के कार्यकर्ताओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने विशेष परिस्थितियों में और बेहद संवेदनशील परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अपनी कोई भी सुरक्षा का ध्यान न देते हुए, किसी भी चीज़ का ध्यान न देते हुए उन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए कार्य किया, जो पार्टी के लिए का उद्देश्य है। सीधी के विकास के लिए आपकी प्रमुख प्राथमिकता अब क्या रहेगी दूसरी पारी में? मेरी प्राथमिकता पहले भी रही है, हम आवागमन के साधन से जुड़ी, और जब किसी क्षेत्र में आवागमन का साधन नहीं तो अन्य किसी विषय के लिए सोच भी नहीं सकता, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ। आवागमन के साधन शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हम इसकी सुविधा पा पाए, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता हम सीधी को आवागमन के साधन से, जिसके लिए मैंने रेल की परियोजना मोदी को देने में इतना विशेष योगदान दिया। साल से डेढ़ साल से दो साल आगे आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये परियोजना पूरी तरह हो जाएगी, हमारे यहाँ रेल से जुड़ जाएंगे, और उसके बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऐसे संसाधन की व्यवस्था हम कर सकते हैं। उसी प्राथमिकता मेरी स्वास्थ्य की सुविधा को बेहतरीन बनाने की, चाहे वो मेडिकल कॉलेज के रूप में हो, अस्पताल के रूप में हो, अन्य स्वास्थ्य मशीनरी संसाधन के रूप में हो, ये मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सीधे जिले को, यहाँ से लेकर अगर वो रीवा या जबलपुर या बनारस जाते जाते जब दुर्घटना के दौरान उन्हें मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति से मैं चाहती हूँ कि हमारे क्षेत्र के लोग स्वयं मैं इस स्थिति से छुटकारा पाऊँ, और शिक्षा स्वास्थ्य मेरे लिए पहले भी रहूँ, पर्यटन की दृष्टि से जिला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर